नरवा नगर की बात क्रमांक 10 स्थित नगर की सबसे व्यस्त सड़क जो पोस्ट ऑफिस के सामने से बाईपास रोड, पेट्रोल पंप और नगरवासियों की जन आस्था का धार्मिक स्थल मुबारकपुर हनुमान जी मंदिर तक जुड़ी हुई है। शहर की इस व्यस्ततम सड़क की महीनों से नाली चौक होने के कारण पूरी सड़क पर पानी और गंदगी पसरी रहती है। इसके कारण गली के आसपास यहाँ पर पानी की सारा जमाव हो जाता है। और आपको बता दें कि गली के पास बने हुए घरों के रहवासी इसी जगह नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ये हाल महीनों पुराना है। स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है, जिससे दूर दूर तक गंदगी नजर आती है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार के द्वारा साफ सफाई रखने और मास्क लगाने की बात कही जाती है, तो वहीं नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 की मुख्य सड़क जो पोस्ट ऑफिस से होते हुए मुबारकपुर मंदिर, हनुमान जी मंदिर के लिए बाईपास पेट्रोल पंप के पास को जाती है, सड़क पर प्रतिदिन गंदगी पसरी रहती है। इस सड़क पर प्रतिदिन विद्यालयों को जाने वाले छोटे छोटे बच्चों, राहगीरों, पेट्रोल पंप पर जाने वाले वाहन चालकों, मुबारकपुर मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी और बदबू के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। पूरी सड़क पर गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है और ये व्यस्त सड़क गंदगी के कारण ठंडी सड़क में तब्दील हो गई है। यहाँ रहने वालों ने बताया कि ये गंदगी और जल भरा महीनों से बना हुआ है, इस कारण मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लेकिन नगर परिषद के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये गंदगी कब से? जी बहुत दिनों से हो रही है सब गंदगी। तो पानी कब से भरा हुआ है? वो तो हर रोज ऐसा ही भरा रहता है। बीमारी पनपती है इससे? हाँ भाई, बीमारी मच्छर पैदा होते हैं और बीमारी कचरा ही साफ नहीं हो रहा है, नाली भरी वहीं पड़ी है। कोई सुनवाई नहीं होते, सफाई वाले भी आते हैं तो सफाई नहीं होती अच्छी तरीका से।